चंडीगढ़ में तेज बारिश के साथ ही मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। बता दें कि मौसम विभाग ने 3 दिन पहले ही ओलावृष्टि और तेज बारिश होने की संभावना जताई थी, जिसके बाद से ही शहर में काले बादल छाए रहे और भारी बारिश के साथ साथ काफी ओलावृष्टि भी हुई। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन तक शहर का मौसम ऐसा ही ठीक बना रह सकता है। ये तमाम जानकारी देते हुए मौसम विभाग के डायरेक्टर AK सिंह ने बताया कि बीते 30 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आसमान में काले बादल होने के साथ साथ तेज बरसात और ओलावृष्टि की वजह से ठंड बढ़ गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 3 से 5 फरवरी तक तेज बारिश पड़ेगी और 5 फरवरी के बाद ही मौसम खुलने के आसार बनेंगे। चंडीगढ़ से संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज तो बारिश हो चुकी है और होने वाली भी होने अच्छी खासी, मतलब कि पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। थंडर भी रहेगा, लाइटनिंग भी रहेगा, ओले भी गिर सकते हैं। जहाँ तक कल की बात है तो कल मौसम खुल जाएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो प्रभाव है वो कल कम हो जाएगा और मौसम खुल जाएगा, लेकिन राहत कल ही तक मिलेगी। परसों से फिर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, तो 3-4-5 को भी पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आपको लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है और थंडर और लाइटनिंग की भी संभावना है।